Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के विचारों पर चर्चा से जुड़ी अपने श्रृंखला में आज हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के बारे में एक एपिसोड में हमने उनके जीवन और उनकी पुस्तक हिंद स्वराज से जुड़े विचारों पर चर्चा की है हमने वहाँ पर यह कोशिश की कि हम महात्मा गांधी के जीवन और जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको बताएं और इसके साथ ही हमने हिंद स्वराज पुस्तक की एक विवेचना आपके सामने प्रस्तुत की किस तरीके से गांधी जी आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता के सभ्यता की संज्ञा देते हैं और किस तरह से वह नैतिक नियंत्रण और उपभोग के नियंत्रण पर आधारित एक ऐसी सभ्यता की स्थापित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं इन सब बातों पर हमने चर्चा एक एपिसोड में की है और आज का जो एपिसोड है वो महात्मा गांधी के विचारों पर दूसरा एपिसोड है क्योंकि इसमें हम कोशिश यह करेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन में जो कई तरह के विचार उभर कर सामने आए उस पर विस्तार से हम बातचीत कर पाए हमारी जो आज की पूरी चर्चा है उसमें हम महात्मा गांधी और जाति के प्रश्न पर विचार विमर्श करेंगे और जाति के प्रश्न और गांधी अम्बेडकर विवाद पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा इसके अलावा उन्होंने जो एक पूरा मॉडल रखा उस पर हम ध्यान देंगे आर्थिक मॉडल पर क्योंकि जो जाति का प्रश्न है उसमें कई तरह के आयाम हैं जिस पर हमारी चर्चा रहेगी और उसके बाद हमारा ध्यान आर्थिक मॉडल या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जाएगा गांधी और राष्ट्रवाद के प्रश्न पर हमारी बात केंद्रित रहेगी इसके अलावा गांधी का शिक्षा सिद्धांत नई तालीम की उनकी अवधारणा इस पर हम बात करेंगे गांधी और महिला प्रश्न और गांधी और पर्यावरण प्रश्न पर भी हमारी नज़र रहेगी कि आखिर गांधी के विचारों में इन सभी विषयों के बारे में किस तरीके की धाराएं किस तरह के विचार किस तरीके के संवाद आते हैं इस पर हम एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे हमारा सब हमारी जो सबसे पहली चर्चा है वह जाति के प्रश्न पर महात्मा गांधी के विचारों में आ, किस तरीके के बदलाव हुए या किस तरीके के अंतर्विरोध रहे उस पर आ, ध्यान देने से आ, हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी इस पूरी बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के जाति संबंधी विचार काफ़ी हद तक विवादित भी रहे हैं और पिछले तीस सालों में जिस तरह की राजनीति हमारे देश में उभर कर सामने आई उसमें इन विचारों की विवादित होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ी खासतौर पर इसलिए क्योंकि जो दलित आंदोलन है उसमें पूना पैक्ट को जिसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे काफ़ी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया और इसलिए भी क्योंकि बाद के दौर में खुद भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट की तीखी आलोचना की थी उन्होंने महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की थी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि महात्मा गांधी अपने इरादों को जो जाति के संबंध में उनके विचार थे उनको पूरी तरह से लागू करने में विफल रहे और वो विफल इसलिए भी रहे क्योंकि उनके अंदर पूर्ण ईमानदारी नहीं थी दलितों के प्रश्न को लेकर तो इस तरह की जो एक आलोचना है जो महात्मा गांधी के जाति के प्रश्न पर उनके विचारों के संदर्भ में आती है वह इस बात को और ज़्यादा प्रासंगिक बना देती है कि हम इन पहलुओं पर यानी कि जाति की भूमिका क्या है जाति को समाप्त कैसे किया जा सकता है और जाति का व्यापक हिंदू समाज में या पूरे भारतीय समाज में किस प्रकार का स्थान होना चाहिए इन सभी बहलुओं पर महात्मा गांधी के विचारों के बारे में एक स्पष्ट समझ कायम करें एक जो शुरुआती बात है जिस पर हमें एक समझ रखनी होगी वह यह कि जाति के प्रश्न पर गांधी के विचारों में लगातार बदलाव आया वे आरंभ से ही हर प्रकार की अस्पृश्यता के खिलाफ थे अगर हम उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं तो उसमें यह बात आती है उन्होंने सवर्ण हिंदुओं की मानसिकता में सुधार करने पर बल दिया किंतु अपने प्रारंभिक दौर में उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आदर्श रूप की तरफदारी की वे यह मानते थे कि अपने आदर्श रूप में अर्थात जन्म के बजाय कर्म पर आधारित होने पर वर्ण व्यवस्था एक आदर्श सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है उन्होंने अछूतों की स्थिति सुधारने के लिए कई अभियान चलाए और उन्हें हरिजन का नाम दिया लेकिन अंबेडकर ने गांधी के प्रयासों की तीखी आलोचना की यहाँ अगर हम वर्ण व्यवस्था के बारे में इस विचार पर ध्यान दें तो हमें यह समझना होगा कि उसमें गांधी यह मान कर चलते हैं कि जो जातियों की उत्पत्ति है वह काफ़ी हद तक वर्ण व्यवस्था की विकृति का, का परिणाम है और उनका यह मानना है कि हर समाज जो होता है वह अपनी व्यवस्था के संचालन करने के लिए कोई ना कोई विधि कोई ना कोई व्यवस्था कोई न कोई श्रम विभाजन अपनाता है और उनका यह मानना है कि भारतीय समाज ने वर्ण व्यवस्था के रूप में इस विभाजन को अपनाया जहाँ पर चार वर्ण हुए और उन सबके काम बटे हुए थे लेकिन उसके साथ ही उनका यह कहना है कि यह व्यवस्था अच्छी थी यह व्यवस्था बुरी इसलिए हुई क्योंकि कर्म के बजाय धर्म जन्म के आधार पर इसे तय किया जाने लगा कर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी रुचि पढ़ने पढ़ाने और धार्मिक कार्यों में है तो वो ब्राह्मण हो सकता है अगर उसकी रुचि लड़ाई में युद्ध में और युद्ध कौशल में है तो वह क्षत्रिय हो सकता है अगर उसकी रुचि उत्पादन में व्यापार में है तो वह वैश्य हो सकता है और अगर उसकी रुचि इसके नीचे के कामों में है साफ़ सफाई और दूसरे अन्य कामों में तो शुद्र की भूमिका में आ सकता है हालांकि बाद में आ, बहुत सारे विद्वान जो हैं शुद्र और पंचम जो हैं जैसे अंबेडकर बोलते हैं कि वो इन चारों रूपरेखाओं से बाहर रखा गया आ, दलितों को तो वो एक अलग विमर्श हो सकता है पर मुख्य रूप से जो गांधी जिस रूप में वर्ण व्यवस्था की शुरुआती दौर में तरफदारी करते थे वो यही बात थी और आ, उनकी जाति पर जो आधारित समझती वो धीरे धीरे साफ होती गई और आगे चलकर उन्होंने अपने विचारों में भी काफी बदलाव किया तो एक जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि उन्हें बाद में यह एहसास हुआ कि जो अस्पृश्यता है वह भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई है और इस सबसे बड़ी, बड़ी बुराई को दूर करने के लिए इस बात की जरूरत है कि इस संदर्भ में व्यवस्थित काम किया जाए और उन्होंने एक तरीके से यह घोषणा की कि जो जिन्हें समाज में अस्पृश्य माना जाता है वे उन्हें हरिजन मानते हैं यानी कि वो मानते हैं कि वो समाज के सबसे मुश्किल काम को करते हैं और वो ईश्वर के रूप में हैं और ईश्वर के लोग हैं और उन्हें उसी रूप में हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनको विशिष्ट स्थान प्रदान करना चाहिए हालांकि भीमराव अंबेडकर जो जाति के प्रश्न पर लगातार महात्मा गांधी की आलोचना करते रहे उन्होंने यह कहा कि अगर जो अछूत है अगर वो हरिजन है तो क्या बाकी लोग खुद गांधी भी शैतान की जन है या शैतान की औलादे हैं यानी कि इस तरह का जो वर्णन था वह भी एक विशेष रूप से अलग करके जिन्हें आज हम दलित कहते हैं जो अस्पृश्य थे उनकी शिनाख्त करने के रूप में था तो बाद में हालांकि गांधी ने अपने जीवन काल में हरिजन शब्द का प्रयोग बंद नहीं किया पर बाद में जब गांधी इस दुनिया में नहीं रहे तो धीरे धीरे पूरे समाज में हरिजन शब्द के प्रयोग को काफी सीमित किया जाने लगा और धीरे धीरे बंद हो गया प्रचलन में नहीं रहा और उसके स्थान पर दलित शब्द उभर कर सामने आया लेकिन आ, शब्द के अलावे जो गांधी के कार्य थे आ, उसमें वो लगातार सुधार करते गए वो यह मानते थे कि जो पूरा का पूरा अस्पृश्यता है या छुआछूत है उसके लिए दलित दोषी नहीं है उसके लिए जिसे गांधी हरिजन कहते थे हैं, वो दोषी नहीं है बल्कि यानी कि जो अछूत हैं वो दोषी नहीं है दोषी वो हैं जो छुआछूत कर रहे हैं जो अस्पृश्यता कर रहे हैं इसलिए सुधारने की जरूरत उनको है बदलने की जरूरत उनको है और वो इस बात के समर्थक नहीं थे कि कहीं से भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे भारतीय समाज में विभाजन हो और वो भारतीय समाज के साथ साथ हिंदू समाजन समाज के विभाजन के रूप में भी देखते थे कि अगर दलित पूरे हिंदू समाज से अलग हो जाते हैं तो और इसी संदर्भ में पृथक मतदाता मंडल का प्रश्न सामने आया और पुनः पैक्ट हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कॉम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई जिसके तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को दो वोटों का अधिकार मिला एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ऐसा कहा गया तथा तो दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्थान ऐसा रहा पृथक मतदाता मंडल में जहाँ पर उम्मीदवार भी दलित वोट देने वाला भी दलित और दूसरा ऐसा रहा कि दलित जो है वो सामान्य मतदाता मंडल जैसे कि आजकल की व्यवस्था है उसमें भी उनको अधिकार है कि वो वोट डाल सकेंगे तो एक तरीके से जो दलितों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं इस पूरी रूपरेखा में वो सिर्फ दलितों के प्रश्न पर दलितों से वोट मांगते हैं और दलितों की चिंताओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं क्यों क्योंकि अगली बार फिर से उनको उन्हीं दलितों का वोट चुनकर आना होता तो ये एक ऐसी रूपरेखा थी लेकिन जब रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कॉमनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की तो इसमें दलित सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया मुस्लिमों को पहले से यह निर्वाचक मंडल प्राप्त था लेकिन आ, इसका आ, जो गांधी जी थे उन्होंने तीखा विरोध किया गांधी जी का विरोध आ, का आधार यही था कि यह एक तरह से आ, दलितों को हमेशा के लिए हिंदू समाज से अलग करने की तरह होगा क्योंकि फिर आ, जो उनके प्रश्न हैं उनको उन पर बात करने की उनको हल करने की पूरी जिम्मेदारी जो दलित प्रतिनिधि हैं उन्हीं पर आ जाएगी और हमेशा के लिए हिंदू जो शेष हिंदू हैं और जो दलित समुदाय हैं उनके बीच में अलगाव पैदा हो जाएगा तो वो इस विचार का पहले भी विरोध करते थे और कांग्रेस हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस हमेशा से ही हर प्रकार के निर्वाचक पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध करती थी लेकिन अंग्रेजों ने मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल दिया था क्योंकि उनकी नीति बाटों और करो की थी पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब भारत का संविधान बना तो वहाँ पर किसी भी समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल नहीं दिया गया तो गांधी का जो ये रुख था वो एक कांग्रेस की व्यापक नीति के अनुरूप था और दूसरा गांधी का जो रुख इस नैतिक आधार पर भी था कि वो ये नहीं चाहते थे कि जिन्हें आ, जो अछूत हैं वो पूरी तरीके से हिंदू समाज से दूर चले जाए तो जब इसकी घोषणा हुई तो वो पूना के यरवडा जेल में थे और उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा इस कम्युनल अवार्ड के घोषित होने के बाद और उन्होंने ये कहा कि इसे बदला जाना चाहिए लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत या आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी और फिर उन्होंने अपना आमरण अनसन 20 सितंबर 1932 को आरंभ कर दिया 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता हुआ इसमें और ये इसके बीच की जो आ, का दौर रहा उसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी समाज में देखने को मिला और आ, लोग जो हैं अलग अलग जगहों पर सभा करके जात पात तोड़ने की बात करने लगे लोगों के भीतर एक चिंता भी व्याप्त हुई गांधी की सेहत को लेकर और अंबेडकर पर भी इस बात का काफ़ी दबाव बढ़ा कि अगर यही स्थिति रही तो फिर आ, शायद जो समाज के वंचित तबके हैं यानी जो दलित हैं उन पर हिंसा भी हो सकती है तो इस लिहाज से उनके ऊपर जो दबाव पड़ा इन सब चीज़ों की परिणति इस रूप में हुई कि फिर एक ऊना समझौता हुआ जिसमें जो दलितों को संयुक्त निर्वाचन मंडल में को कायम रखा गया पर उनके पृथक निर्वाचक मंडल को ख़त्म किया गया इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन जैसा कि आजकल है उस पद्धति को स्वीकार करना पड़ा और आजकल की पद्धति क्या है कि सीटों को दलितों की और आदिवासियों की जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए आरक्षित किया गया है वहाँ पर सभी लोग वोट देते हैं लेकिन उम्मीदवार सिर्फ दलित या आदिवासी होते हैं तो इसी तरह की व्यवस्था उसी समय ही अपनाई गई और कम्युनल अवार्ड से मिली इकहत्तर आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई तो एक तरीके से अंबेडकर कुछ चीज़ों को हासिल करने में भी सफल रहें साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई गई और सरकारी नौकरियों में से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया गया या सुनिश्चित किया जाएगा ऐसा वादा किया गया हमें यह याद रखना है कि अंबेडकर ने बाद के दौर में आ, इस समझौते की काफ़ी निंदा की उन्नीस uh, सौ बयालीस में उन्होंने इसके निंदा की स्टेट ऑफ माइनॉरिटी नाम के अपने पुस्तक में उन्होंने पैक्ट के संबंध में नाराज़गी व्यक्त की क्योंकि वो मानते थे कि यदि पैक्ट ना हुआ होता तो दलित ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहते हैं और uh, बाद के दौर में भी इसकी लगातार आलोचना होती रही हालांकि uh, गांधी के परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को देखने वाले यह दावा कर सकते हैं या यह प्रश्न कर सकते हैं uh, या इस संभावना को रेखांकित कर सकते हैं कि आ, क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि सच में आ, जो भारतीय समाज भी उसमें अलगाव नहीं बढ़ता और जो दलित हैं लोग उनको पूरी तरीके से उनके हाल पर नहीं छोड़ देते और इसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि अभी भी दलितों की स्थिति बुरी ही है तो शायद पृथक निर्वाचक मंडल एक उम्मीद की किरण बनता मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आज के दौर में भी दलित विमर्श के भीतर भारतीय राजनीति के भीतर इस मसले पर गर्मागर्म बहस होती है चर्चा होती है आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं खैर पूना पैक्ट के बाद गांधी ने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास किया उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और यह बात याद रखने की है कि इसके कारण उन पर कई बार जानलेवा हमला हुआ जाति के प्रश्न पर गांधी के विचार लगातार रेडिकल होते गए 1940 का दशक आते आते उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वे सिर्फ अंतर जाती विवाहों में ही जो कपल हैं जो युगल हैं उनको आशीर्वाद देने जाएंगे और एक तरीके से आ, वो उन्होंने अपने उस पुराने वर्णाश्रम धर्म को या वर्णाश्रम व्यवस्था को आदर्श मानने वाले विचारों के बारे में बात करना भी छोड़ दिया पर हमें हमेशा यह याद रखना है कि गांधी कभी भी वर्ण व्यवस्था को उसके मौजूदा स्वरूप में या जाति व्यवस्था के उसके मौजूदा स्वरूप में तो उसके पक्ष में तर्क नहीं दे रहे थे लेकिन वो उसके एक आदर्श रूप को मान रहे थे तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक चीज़ नहीं थी लेकिन बाद के दौर में गांधी ने इन बातों की चर्चा करनी ही बंद कर दी हालांकि हम आगे देखेंगे आ, जब हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करेंगे तब भी और यहाँ भी मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि अंबेडकर अपने विचारों में इस बात पर अडिग रहे कि गांधी जो थे वो यह नहीं चाहते थे कि बाकी जो सवर्ण हिंदू हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएं इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संयुक्त मोर्चे को कायम रखना चाहते थे पर जो भी कारण रहा हो इसने भी गांधी को जो दलितों के उत्थान की जो कोशिश थी उनके अस्पृश्यता को ख़त्म करने की जो कोशिश थी उसको प्रभावित किया ऐसा अंबेडकर मानते हैं और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में इसको रेखांकित भी किया है लेकिन हम गांधी और अंबेडकर के भी आ, प, के बीच जाति के प्रश्न को लेकर जो विचार विमर्श हुआ है उसमें कुछ विद्वानों के हवाले से आ, कुछ आ, बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे आगे गांधी और अंबेडकर विवाद में निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया जा सकता है अंबेडकर की तरह गांधी के लिए भी व्यक्ति सबसे अहम है हालांकि इस सिलसिले में दोनों के अलग अलग तर्क थे गांधी का मानना था कि जाति व्यवस्था ने जातिगत भेदभाव और जाति पर आधारित हीनता का मिथ्या भाव पैदा कर दिया दोनों की राय में वैसी सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसमें हर व्यक्ति के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से खुद को सबसे अच्छी तरह से विकसित करने की गुंजाइश हो दोनों ने आखिरकार इस बात को लेकर सहमति जताई कि मौजूदा जाति प्रथा को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता है इसी वजह से न सिर्फ दलितों के साथ निर्ममता हुई बल्कि इसने सवर्ण जाति के हिंदुओं के व्यवहार को अमानवीय बना दिया ऐसा गांधी भी मानते हैं और अंबेडकर भी अंबेडकर इस बात से सहमत थे कि बेहतर इंसान बनने के लिए स्वर्ण हिंदुओं को जरूरी तौर पर अपना जातिगत पूर्वग्रह छोड़ना होगा हालांकि गांधी के विचारों को स्वीकार करने को लेकर उन्हें गंभीर आपत्ति थी उन्होंने स्वीकार किया कि स्वर्ण जाति के हिंदू भी जाति व्यवस्था के उतने ही पीड़ित हैं जितने दलित अंबेडकर के मुताबिक जाति व्यवस्था की समस्या को लेकर गांधी का विश्लेषण सतही था अंबेडकर के अनुसार जातिगत भेदभाव और जाति के आधार पर श्रेष्ठाहीनता का भाव एक बड़ी सच्चाई थी उनका कहना था कि हिंदू समाज में धन संपत्ति राजनीतिक सत्ता ज्ञान अन्य चीजें और ऊंची हैसियत का प्रदर्शन करने वाले साधनों का बंटवारा जाति आधारित पदानुक्रम के हिसाब से ही है अंबेडकर के मुताबिक जाति व्यवस्था दलितों के लिए सामाजिक न्याय और समानता का अवसर प्राप्त करने की राह में बाधा थी तो एक तरीके से आ, अंबेडकर गांधी के इस बात से सहमत थे कि हाँ इसने अमानवीकरण किया है दलितों का भी और सवर्ण जातियों का भी लेकिन वो इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे कि दोनों को हम बराबरी पर रख सकते हैं उनका यह मानना था कि दलितों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है क्यों क्योंकि उनकी हर तरह के विकास में यह बाधक है उनके साथ पशुवत व्यवहार का यह कारण है गांधी इसको इस रूप में देखते थे कि ये सवर्ण लोगों को भी या गैर दलित लोगों को भी अमानवीय बनाता है तो उनके अंदर की इंसानियत मर रही है तो वो भी एक तरीके से जाति व्यवस्था से पीड़ित हैं और उन्हें भी इससे निकालने की ज़रूरत है अंबेडकर दोनों में फ़र्क करते हैं और वो कहते हैं कि वो जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक मजबूत स्थिति में हैं जो लोग जाति व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं दलितों का दमन करने के लिए तो एक स्तर पर उनकी थोड़ी बहुत अमानवीयता मर रही है उनके भीतर की मानवीयता मर रही है और वो एक इंसान के रूप में कमतर हो रहे हैं पर जीवन के तमाम जो पहलू हैं उनका वो उपभोग कर रहे हैं लेकिन अगर हम कुछ साझापन की बात करें एक तरह का साझापन यहाँ भी ऊपर जो मैंने वर्णन किया उसमें है कि दोनों व्यक्ति को हम मानते हैं और समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन अंतर जो है वो इसी बुनियादी स्तर पर है कि जो अंबेडकर अम्बेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि जाति व्यवस्था जो है उसमें पीड़ित पक्ष दलित हैं और उनके पक्ष में काम करने की ज़रूरत है गांधी भी मानते हैं लेकिन वो इसका दोष सवर्ण पुरुषों पर सवर्ण महिलाओं पर डालते हैं और उन्हें सुधारने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो एक इंसान के रूप में भी नीचे गिरे हैं तो उन्हें भी बेहतर ऊपर लाने की ज़रूरत है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सवर्ण पुरुष के रूप में या आप एक पुरुष के रूप में या महिला के रूप में किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं सिर्फ जाति के आधार पर तो आपके अंदर भी इंसानियत मरती है सामने आते हैं गांधी कुछ हद तक समग्रता में देखते हैं लेकिन उसमें ऐसा कहा जा सकता है और ऐसा मुझे लगता है कि दलितों की जो दुखद स्थिति है उसके प्रति उसको बदलने के जो रेडिकल उपाय हैं उसके उस सिलसिले में वो अम्बेडकर से थोड़े पीछे रहते हैं क्योंकि वो समग्रता में मानते हैं कि इसका दोष सवर्ण हिंदुओं का है और उन्हें ही इससे निपटना है अब हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे जिससे में कि यह बात ज़्यादा साफ तौर पर सामने आएगी कि दोनों जाति की व्यवस्था को कैसे देखते हैं अब अंबेडकर ने दलितों के आर्थिक सामाजिक स्थिति के बदलाव पर जोर दिया गांधी इस मसले को पूरे समाज में बदलाव से जोड़कर देखते हैं निशिकांत कोलगे का यह मानना है जो कि एक विद्वान है और जिन्होंने गांधी अगेंस्ट कास्ट नाम की पुस्तक लिखी है उनका यह मानना है कि गांधी के विचारों से यह सही ध्वनि आती है कि वास्तविक दुनिया में जाति का मामला आर्थिक भौतिक हालात से भी आगे है जाति खत्म करने के लिए आर्थिक स्थिति से परे जाकर पहल करनी होगी जाति न सिर्फ आर्थिक हैसियत का मामला है बल्कि लोगों की धारणा से भी जुड़ा है इस धारणा में बदलाव किए बिना सिर्फ आर्थिक बदलाव से जाति व्यवस्था खत्म नहीं की जा सकेगी तो एक तरीके से हम दोनों की पहलुओं में थोड़ी कमी और थोड़ा अनुपूरकता की जरूरत को देख सकते हैं जिसके तरफ निशिकांत कोलगे इशारा करते हैं कि गांधी अगर आर्थिक सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व के सवाल को उतना महत्व नहीं देते हैं तो महत्व देते हैं पर उतना नहीं जितना अम्बेडकर देते हैं तो ये भी एक गलत धारणा है लेकिन गांधी का यह मानना सही है कि जब तक आप पूरे समाज की धारणा नहीं बदलेंगे आप इस जाति नामक बुराई से नहीं लड़ सकते हैं तो ये एक पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है गांधी जो थे वो सामुदायिक जिम्मेदारी पर सबकी जिम्मेदारी पर जोर देते हैं और अम्बेडकर राज्य के संरक्षण पर गांधी ने यह कहते हुए जनता को शिक्षित करने का फैसला किया कि जातिगत भेदभाव जाति आधारित पदानुक्रम और शुद्धता अशुद्धता की धारणा पर आधारित परंपराएं उनके धर्म का अभिनयषण नहीं है अगर ये चीजें तार्किकता और नैतिकता के प्रतिकूल हैं तो इन्हें खत्म किया जाना चाहिए इस सिलसिले में उन्होंने तर्क अनुनय अनुरोध और व्यक्तिगत उदाहरण का सहारा लिया उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जो गांव-गांव जाकर अपने कार्यों से उदाहरण पेश करते थे वह ना सिर्फ जातिगत भेदभाव में राज्य की अहमियत को लेकर असहज रहे बल्कि वो हर मामले में राज्य को थोड़ी शंका के दृष्टि से देखते थे लेकिन से पिछड़े और से अधीन, तथा सांस्कृतिक से दबे कुचले हैं इस वजह से उन्हें वास्तविक साधनों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा की दरकार होगी इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक जाति विहीन समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इन दोनों पहलुओं की आवश्यकता है तो ऋषिकांत कोलगे यह तर्क देते हैं और यह तर्क काफी हद तक सही भी लगता है कि जिस रूप में गांधी इस प्रश्न को देखते थे वह एक व्यापक आयाम का प्रतिनिधित्व करता है और जिस रूप में अंबेडकर इसको देखते थे वह भी एक बुनियादी आयाम का प्रतिनिधित्व करता है और इन दोनों से ही को साथ लाकर ही जाति व्यवस्था को देखा जा सकता है और तीसरा पहलू डी आर नागराज ने प्रस्तुत किया है जो आत्म शुद्धिकरण बनाम आत्मसम्मान के रूप में सामने आता है डी आर नागराज का मानना है कि गांधी ने आरंभिक रूप से सवर्ण जातियों के शुद्धिकरण पर बल दिया यानी कि दोष किसका है अस्पृश्यता का पालन करने का सवर्ण जातियों का तो उन्हें अपने आप को शुद्ध करना है बेहतर बनाना है वहीं अंबेडकर का जोर आत्मसम्मान पर था यानी कि उन लोगों के आत्मसम्मान पर जिन्हें इंसान से कमतर माना जाता था और इस रूप में व्यवहार किया जाता था लेकिन डी आर नागराज जो महत्वपूर्ण तर्क देते हैं वह यह कि अपने जीवन के बाद के दौर में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के विचारों को महत्व को समझा और उसे अपने विचारों में स्थान प्रदान किया इसका मतलब यह है कि जो महात्मा गांधी थे वो धीरे धीरे करके आ, कई प्रश्नों पर जो आर्थिक संवैधानिक अधिकार के प्रश्न थे उस पर रेडिकल होते गए और उसके महत्व को उन्होंने समझा दूसरी ओर जो अंबेडकर थे वो भी इस बात को समझ पाए कि जो जाति का प्रश्न है उस प्रश्न में धर्म बदलने जैसे पहलुओं का या सांस्कृतिक रूपकों का काफ़ी इस्तेमाल है और इसमें लोगों के भीतर जो ये भावना है सभी लोगों के भीतर उसे दूर करने की भी ज़रूरत है तो कुल मिलाकर जो ये पूरी चर्चा मैंने आपके सामने रखी निशिकांत कोलगे और डी आर नागराज के विचारों का उदाहरण देते हुए उसका मुख्य जो लब्बुलवाब है वह यह है कि महात्मा गांधी के जीवन काल में जिस रूप उन्होंने जाति को देखा उसकी बाद में काफ़ी तीखी आलोचना खुद अंबेडकर ने की और जो अंबेडकर के विचारों को मानकर राजनीतिक करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता हैं दलित कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी गांधी की तीखी आलोचना की लेकिन अगर हम गांधी के जीवन को देखेंगे तो हम यह पाएंगे कि धीरे धीरे जाति के पर आधारित उनके विचार रेडिकल होते गए उन्होंने जाति और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने व्यापक समाज के परिवर्तन पर जोर दिया उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस जो छुआछूत बरत रहा है उसे ठीक करने की ज़रूरत है उसको इंसान बनाने की ज़रूरत है और वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो एक पूरा समाज है उसको बदले बगैर जाति को ख़त्म नहीं किया जा सकता है अंबेडकर जो हैं उनका शुरुआती बिंदु दलितों का सशक्तिकरण है और वो दलितों के आत्मसम्मान पर जोर देते हैं लेकिन जो दोनों ही पहलू हैं और उसके लिए अंबेडकर कई तरह के संवैधानिक प्रयोग करने राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने को ज़्यादा महत्व देते हैं उनका भरोसा व्यापक समाज पर नहीं है हाँ जो दलित समाज है उसके आपसी एकता पर वो जरूर भरोसा करते हैं लेकिन जो मुख्य तर्क है वह यह कि एक स्तर पर दोनों विचारों में एक तरह की अनुरूपकता अनुपूरकता हो सकती है कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो सकती है दोनों एक दूसरे के साथ सहज रूप में आगे बढ़ सकते हैं तो Uh, कुल मिलाकर गांधी की जो जाति संबंधी विचार उनमें लगातार बदलाव हुआ उनमें कुछ सीमाएं रहीं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और जो सीमाएं रहीं उनके लिए हम कई कारकों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जिसमें से एक बड़ा कारक डॉक्टर अंबेडकर ने ही आ, इंगित किया है व्हाट कांग्रेस व्हाट गांधी एट कांग्रेस एप डन टू अनटचेबल शीर्षक अपनी किताब में कि गांधी शायद कई बार उतना रेडिकल इसलिए भी नहीं हो पाते थे क्योंकि उन्हें जो बाकी समुदाय थे उनका समर्थन भी चाहिए होता था जो कि पूरी तरीके से अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थे तो इस रूप में जो गांधी के जो जाति संबंधी विचार हैं उससे जुड़े हुए जो विमर्श हैं उसको हमें देखने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आगे आप इस पहलू पर और ज़्यादा पढ़ेंगे गांधी का जो आर्थिक मॉडल है वो ट्रस्टी सिप के सिद्धांत के रूप में सामने आता है और अब हम इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे एक जो बात समझने की है वह यह कि अगर हम आर्थिक मॉडल की बात करें तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है जो कि मार्क्सवाद में सामने आती है और इस अवधारणा में यह माना जाता है कि समाज का में जो उत्पादन का साधन है उस पर एक तबके का कब्जा है और अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो कब्जा करने वाला बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग है और दूसरा मजदूरों का वर्ग है जिसको शोषण हो रहा है तो उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति वर्ग का कब्जा और जो मजदूर हैं उनका शोषण हो रहा है फिर मजदूरों के भीतर जागृति आनी चाहिए जागरूकता आनी चाहिए राजनीतिक गुलबंदी होनी चाहिए इनके बीच में टकराव होगा वर्ग संघर्ष होगा उसके बाद इसको वो क्रांति होगी क्रांति के बाद सर्वहारा का कितानाशाही स्थापित होगी फिर धीरे धीरे करके समाजवाद और साम्यवाद की स्थिति आएगी जहाँ पर कोई वर्ग नहीं होगा ये एक मॉडल रहा है जो काफ़ी प्रभावशाली है दूसरा जो मॉडल है वह इस बात से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से जोजी पूंजीवाद का जो मॉडल है कि व्यक्ति जो है उसको उसकी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए उसके पास अपनी बुनियादी आज़ादी होनी चाहिए और अगर उसके भीतर सामर्थ्य है उसके भीतर क्षमता है उसमें परिश्रम करने की भावना है तो वो धीरे धीरे करके अपने लिए संपत्ति बनाएगा समाज में अपनी जगह बनाएगा तो हर किसी को आप बराबरी का मौका दीजिए ये पूंजीवाद और उदारवाद का तर्क है और उसके बाद व्यक्ति जितनी संपत्ति अर्जित करता है वो उसकी संपत्ति है सरकार अपना कुछ काम चलाने के लिए उससे कुछ टैक्स ले सकती है और फिर लिबरलिज्म या उदारवाद के भीतर इसमें कई तरह के वाद विवाद है पर मोटे तरह तौर पर यह दो प्रचलित मॉडल हैं गांधी जो ट्रस्टीशिप का मॉडल देते हैं उनका यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है तो एक तरीके से वर्ग सहयोग की बात है जिसको मैं आगे स्पष्ट करूंगा तो उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है तो उसकी कुछ जरूरतें होंगी वो उतनी जरूरत भर थोड़ा सा उसमें अपने लिए ले, ले ले बाकी सारी चीजों को खुद को ट्रस्टी माने ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ कि ये उसकी अपनी चीज नहीं है बल्कि वो व्यापक समाज की चीज है और वो उसका सिर्फ देखभाल करने वाला है बाद में समाज में वापस चला जाएगा और ये जो ट्रस्टीशिप की भावना है उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के पास ट्रस्टीशिप मानने के बाद ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद जिस जो संपत्ति बचती है जिसका वो ट्रस्टी होता है उसका वह उपयोग पूरे समाज की भलाई के लिए करे उसे करना चाहिए यही ट्रस्टीशिप का मॉडल है यानी कि इस मॉडल में संघर्ष या टकराव की बात नहीं है इस मॉडल में पूंजीपति के असीम स्वामित्व की बात नहीं है बल्कि इस मॉडल में मुद्दा ये है कि या मसला ये है या मुख्य बात यह है कि अगर आपके पास संपत्ति है या अगर आप ज़्यादा संपत्ति अर्जित करते हैं तो आप उसके सिर्फ ट्रस्टी हैं देखभाल करने वाले हैं और बाकी सारी की सारी जो संपत्ति है वो लोगों की है लोग जो हैं लोगों की भलाई में आपका आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लिए भी आप एक छोटा हिस्सा ही रख सकते हैं जितना कि आपको आपके काम की आपकी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए अब इसके साथ इस विचार के साथ जो समस्या है वह यह है कि बहुत सारे लोग असल में इस पूरे ट्रस्टशिप मॉडल का इस्तेमाल करते हुए जो समाजवाद के विचार हैं या एक सीमित आ, सीमा तक संपत्ति रखने का विचार है उसको नकार सकते हैं जमींदार ऐसा कर सकते हैं बड़े बड़े भूमिपति भुण, ऐसा कर सकते हैं बड़े बड़े उद्योगपति ऐसा कर सकते हैं वे ये कह सकते हैं कि भाई हम जो ये पूरी संपत्ति है उसका मालिक नहीं है उसका हम ट्रस्टी हैं और हम इसका प्रयोग सबकी भलाई के लिए करना चाह रहे हैं सुनने में यह बात जितनी आकर्षक लगती है व्यवहार में यह उतनी ही कठिन है और जो ट्रस्टशिप मॉडल के आलोचक हैं उनका यह कहना है कि असल में यह पूरा मॉडल जो है वह समाज के संपत्तिशाली वर्ग को पूंजीपतियों को जमींदारों को एक ऐसा आधार प्रदान करता है जिसके माध्यम से वे अपनी संपत्ति पर अपना कब्जा हमेशा के लिए कायम सकते रख सकते हैं एक जमींदार अपनी सारी जमीन अपने पास रखते हुए यह कह सकता है कि असल में वह तो इस ज़मीन का सिर्फ ट्रस्टी है और वह सिर्फ इसकी देखभाल कर रहा है तो इसलिए सरकार को उससे ज़मीन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दूसरे की मदद के लिए या संपत्ति अपने पास रखे हुए है और इसका उपयोग कर रहा है तो ये इसकी आलोचना हुई और यह कहा गया कि यह पूंजीपतियों को सेफ पैसे एक सरल रास्ता देने की तरह है ताकि जो क्रांति की है उस पर आ, उसे बहुत हल्का बनाया जा सके लेकिन अगर हम यह सोचें कि इस पूरे विचार को आदर्श रूप में लागू किया जा रहा है लागू करने की कोशिश हो रही है तो क्या यह वास्तव में व्यवहारिक है अब इसे बहुत व्यवहारिक स्तर पर अपनाने या व्यवहार में लाने की कोशिश नहीं हुई है लेकिन यह ट्रस्टीशिप का मॉडल जो है वह अगर हम देखें बहुत सारे ट्रस्ट दिखते हैं हमारे देश में तो कई बार वह काम करने का एक बेहतरीन तरीका होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी लोगों का बराबर अधिकार उस संपत्ति पर हो पाए जो लोग आ, उस तरीके की पूरी प्रक्रिया में जुड़े होते हैं यानी कि जिसकी संपत्ति होती है या जो उस संपत्ति का रखवाला होने का दावा करता है वही आ, उसका असली मालिक भी होता है वही यह फैसला करता है कि इस पूरे पैसे का किस तरीके से उपयोग किया जाए मैं कुछ आम जीवन में प्रचलित ट्रस्टों की बात कर रहा हूँ लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि गांधी के इस मॉडल को बहुत ही ईमानदारी के साथ ज़मीन पर उतारने की कोशिश नहीं की गई कुछ लोग जो उनके नज़दीक थे उन्होंने इस मॉडल के आसपास ज़रूर काम करने की कोशिश की आ, कुछ उद्योगपति जो गांधी के नज़दीकी थे उन्होंने अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश की लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बहुत व्यापक सिद्धांत के रूप में समाज में आ पाया आ, लेकिन आ, यह जरूर है कि सिद्धांत में जो गांधी का जो अहिंसा का क्या का जो सिद्धांत था जो लोगों के साथ एक साथ जुड़ने साथ रहने आ, और मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाने का जो उनका सिद्धांत था उसकी पूरी आ, संभावना मौजूद है आ, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सकता और ऐसा लगता है कि शायद व्यवहारिक स्तर पर इसे लागू करना बहुत कठिन है और एक तरीके से जो गांधी का जो पूरा मॉडल है उसके अग, उसके आखिर में मैं यह बात जरूर कहूँगा कि गांधी जी अपने इस बारे में यह कहा था कि मान लीजिए कि मेरे पास उचित मात्रा में धन है या तो विरासत के माध्यम से या व्यापार और उद्योग के माध्यम से मुझे पता होना चाहिए कि वो सारी संपत्ति मेरी नहीं है जो मेरा है वह मेरा है लाखों अन्य लोगों द्वारा सम्मानजनक आजीविका का अधिकार आ, ही जो है वो संपत्ति के माध्यम से होना चाहिए इसका उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए तो जो मेरा है उसमें आ, एक छोटा हिस्सा ही है इस पर गांधी जोर देते हैं तो ये एक आ, गांधी के ट्रस्टिप का मॉडल है कुछ हद तक ये यू यूटीपियाई लगता है व्यवहारिकता से दूर लगता है लेकिन निश्चित रूप से आ, इसमें यह संभावना है कि यह एक बेहतरीन समाज स्थापित करने की दिशा में आ, किसी भी समाज को आगे ले जा सकता है गांधी और राष्ट्रवाद का प्रश्न जब हम गांधी के पहले भाग में बात कर रहे थे गांधी के बारे में यानी कि दो पहला एपिसोड जो था उसमें हिंद स्वराज की चर्चा करते हुए मैंने इस बात को रेखांकित किया था कि गांधी जो थे वो अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का मॉडल था उससे काफी उद्विग्न थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सही रास्ता नहीं है और यह माना जाता है कि उसने भी एक प्रेरणा की भूमिका निभाई हिंद स्वराज के लेखन में लेकिन आ, और गांधी ये मानते थे कि इस तरह का जो राष्ट्रवाद है आ, जो कि हिंसा के प्रयोग पर आधारित है वह गलत है गांधी यह भी मानते हैं कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में है राष्ट्र जो है वो एक जुड़ाव की भावना के रूप में हमेशा भारत में मौजूद रहा है लेकिन आ, वो हिंद स्वराज में ही यह कहते हैं कि जो अलग अलग समुदाय हैं जो खुद को भारत का मानते हैं वो भारत के हैं और कोई भी धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद नहीं चल सकता है लेकिन राष्ट्रवाद का प्रश्न एक अन्य रूप में सामने आया गांधी के और वह है रविंद्रनाथ टैगोर की आलोचनाओं के रूप में यानी कि एक रूप तो हमेशा रहा मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात हो हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो उससे गांधी का राजनीतिक जीवन लगातार जूझता रहा और वो ये कहते रहे कि धर्म के आधार पर राष्ट्र को परिभाषित करना बिल्कुल गलत है जितने भी समुदाय हैं उनको देश में एक साथ रहने की जरूरत है लेकिन एक दूसरी आलोचना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से आई जो कि यह मानते थे कि राष्ट्रवाद का विचार ही अपने आप में गलत है क्योंकि यह हमेशा ही बहिष्करण पर आधारित होता है अदरनेस पर आधारित होता है कोई ना कोई ऐसा समुदाय होगा जिसको कि बहिष्कृत किया जाएगा कोई ना कोई एक ऐसा समुदाय होगा जिसे अन्य माना जाएगा और इससे एक तरह की हिंसा पैदा होती है और उसमें उन्होंने जो गांधी की जो पूरी का जो पूरा आंदोलन था उसमें इस तरह की प्रवृत्तियों की शिनाख्त उन्होंने की असहयोग आंदोलन की भी उन्होंने आलोचना की और ये कहा कि ये पश्चिम के प्रति द्वेष से प्रेरित महसूस होता है और उनके उपन्यासों में भी राष्ट्रवाद की कमियों को लगातार दिखाया गया चाहे वो घरे बारे हो या फिर गोरा हो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तरह के राष्ट्रवाद की आलोचना की आशीष नंदी जो बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक विद्वान हैं हमारे देश के उन्होंने एक पुस्तक लिखी इलिजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज्म जिसमें उन्होंने यह दिखाया है कि असल में जो टैगोर द्वारा राष्ट्रवाद की आलोचना थी उसने गांधी को अपने राष्ट्रवाद को ज़्यादा लचीला बनाने में मदद की यानी कि गांधी का राष्ट्रवाद का विचार ज़्यादा लचीला बन पाया और उसमें जो जिस बात पर आशीष नंदी का जोर है वह यह कि जो टैगोर की जो बात थी वह यह कि राष्ट्रवाद हमेशा ही एक खतरे के साथ जूझते रहता है और उसमें उग्र राष्ट्रवाद बनने और दूसरों का दमन करने की संभावना होती है और यह जो आलोचना थी राष्ट्रवाद की उसने गांधी को बार बार इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह जिस रूप में राष्ट्रवाद को मानते हैं और गांधी राष्ट्रवाद को क्यों मानते थे क्योंकि उनका कहना था कि मोटे तौर पर यह लोगों में एक आपसी जुड़ाव की भावना पैदा करता है और लेकिन वह राष्ट्रवाद गांधी की कोशिश रही कि सबको साथ लेकर चलने वाला राष्ट्रवाद हो जिसमें किसी का बहिष्करण ना हो जिसमें कोई अदरनेस की फीलिंग दुश्मनी की फीलिंग पैदा ना हो बल्कि एक मानवता के विचार के रूप में यह आगे बढ़े तो ये एक तर्क आशीष नंदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है एक अन्य महत्वपूर्ण विचार जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है जिस पर गांधी ने काफ़ी काम किया या शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए पर वो उस दिशा में काम करना चाहते थे वह गांधी के शिक्षा सिद्धांत से जुड़ी हुई है जिसमें उन्होंने नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की हम जब हिंद स्वराज की बात कर रहे थे तो मैंने वहाँ पर इस बात को रेखांकित किया है कि हिंद स्वराज में ही गांधी इस बात पर जोर देते हैं कि जो यह पूरी व्यवस्था है शिक्षा की वह गलत है वो मैकाल मैकालवादी शिक्षा की व्यवस्था को गलत मानते हैं और उनका यह मानना है कि जो शिक्षा है वो एक तरीके से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और उसके साथ ही वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि लोग शारीरिक श्रम और हस्त कौशल या हस्तकला कौशल को भी जान पाएँ उन्नीस में वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित नई तालीम में छात्रों को निशुल्क शिक्षा आ, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के अलावा मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया नई तालीम को बुनियादी शिक्षण के नाम से भी जाना जाता है गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगी नई तालीम का उद्देश्य व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास था स्थानीय रूप से सुलभ प्रौद्योगिकी के साथ कार्य केंद्रित शिक्षा का दृष्टिकोण इसमें बुनियादी था नई तालीम चार सिद्धांतों पर आधारित थी अर्थात हस्तशिल्प कार्य के साथ साथ मातृभाषा में शिक्षा या अधिगम यानी लर्निंग का हिंदी है ये काम को स्थानीय सबसे उपयोगी व्यवसायिक जरूरतों से जोड़ा जाना चाहिए और लर्निंग या अधिगम को व्यवसायिक कार्य से जोड़ा जाना चाहिए और कार्य सामाजिक रूप से उपयोगी और जीवन यापन के लिए आ, उत्पादक होना चाहिए तो एक तरीके से वो आ, हस्त, हस्त शिल्प कार्य मातृभाषा और स्थानीय व्यवसायिक ज़रूरतों से जोड़कर शिक्षा देने पर जोर देते हैं इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो नई तालीम का जो मॉडल है वह आ, एक ऐसी शिक्षा की दिशा से थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश करता है जिसमें कि एक वर्चस्वशाली देसी या विदेशी भाषा को महत्व दिया जाए और उसी को सीखने को जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजी की अभी भी वह स्थिति है और उसके बाद हिंदी उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है कि एक भाषा को आप जाने मातृभाषा को उतना महत्व नहीं ना दिया जाना और इसके अलावा जो बचपन से ही जो शिक्षा है उसका पूरा का पूरा लक्ष्य अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से बदलना या संवारना हो जिससे कि कोई भी विद्यार्थी आगे चलकर एक बेहतरीन नौकरी हासिल कर सके एक कुछ आ, ऐसी पद को वो हासिल कर सके जिसमें कि वह सामाजिक स्तर पर सफल माना जाए तो इस तरह की जो शिक्षा होती है आ, वो नई तालीम उससे अलग जाकर इस बात को स्थापित करना चाहती है कि शिक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उनके भीतर आत्मचिंतन करने चीज़ों को समझने है, की प्रवृत्ति आए जो कि मातृभाषा में शिक्षा से आ सकती है और जो विद्यार्थी हैं वो हस्तशिल्प के कार्य को सीखें न कि आ, सतही तौर पर बिना किसी ज्ञान के सिर्फ डिग्रियों की तरफ जाएं। तो ये इस पर आ, गांधी का जोर था हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस दिशा में आ, जो हमारी नई नहीं शिक्षा नीति है उसमें भी कुछ पहलू जोड़े गए हैं पर उस रूप में नहीं जिस रूप में गांधी बात करते हैं बल्कि एक अलहदा रूप में उसको कौशल विकास शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है लेकिन पहले की शिक्षा नीतियों में गांधी की जो नई तालीम है उसके पहलुओं को कुछ कुछ हद तक शामिल करने पर जोर दिया गया लेकिन कभी भी यह कोशिश नहीं की गई कि इस विचार को पूरी तरीके से अपनाया जाए तो ये एक तरीके से आ, हमें अव्यवहारिक भी लग सकता है इसलिए लग सकता है क्योंकि कभी इसको सही तरीके से व्यवहार में लाने की कोशिश नहीं की गई इसके मॉडल को देखने का प्रयास नहीं किया गया कि यह किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में स्थापित करता है तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है जहाँ पर हम डिग्री हासिल करते हैं उसके बाद अच्छी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं हमें खास तरीके से अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करते हैं वो इतनी ज़्यादा गहरे स्तर तक हमारे समाज में पहुँच चुकी है कि हम उसके वैकल्पिक मॉडल के बारे में सोचने के लिए खुद को तैयार नहीं पाते हैं और शायद यही कारण है कि जो गांधी जी की नई तालीम की बात है उसमें आ, हमें कई तरह की अव्यवहारिकता ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि हम सब जब मैं भी इस बात को बोल रहा हूँ तो शायद एक मन में है बात कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें अगर इस तरीके से शिक्षा दी जाएगी तो क्या वे बाकी विद्यार्थियों से पिछड़ नहीं जाएंगे तो इस तरह की कई शंकाएँ हैं पर जिस तरीके से हमने हिंद स्वराज की चर्चा वाली बातचीत में देखा था कि गांधी के विचारों को पूरी तरीके से लागू करने की कभी कोशिश नहीं की गई और एक समय के बाद वो हमें बहुत ही दूर की कौड़ी नजर आने लगे खैर इस मुद्दे को हम यही छोड़ते हैं हम गांधी और महिला प्रश्न पर विचार करते हैं गांधी ने महिलाओं को पारंपरिक रूप से घर की चार दीवारी में बंद रखने का विरोध किया वे चाहते थे कि महिलाएं शिक्षित हों अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद करें उन्होंने राजनीति में महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाने पर भी बल दिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और जैसे जैसे वो जैसे कि पहले हमने कह सकते हैं सहयोग आंदोलन चढ़ाए और उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन तो इन सभी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती गई और एक तरीके से इसके लिए हम गांधीवादी जो आंदोलन था स्वतंत्रता आंदोलन उसको एक सकारात्मक कारक के रूप में देख सकते हैं लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है गांधी के पूरे सैद्धांतिक रचना कर्म या फिर उनके व्यवहारिक राजनीति के बारे में और उसमें इस्तेमाल होने वाली अवधारणाओं के बारे में उसमें भी जो स्त्री जनित छवि है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसका मतलब यह है कि आम तौर पर जो समाज है और इसके बारे में आशीष नंदी ने अपनी पुस्तक द एंटीमेट एनिमी में विस्तार से बताया है कि जो पहले जो क्रांतिकारी विचारक थे वो यह चाहते थे कि पौरुष के आधार पर यानी कि पुरुष गुणों के आधार पर देश को हथियार बंद किया जाए हर किसी को हथियार दिया जाए या बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हथियार दिया जाए कम से कम और फिर उसके बाद उस पौरुष का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर कर दिया जाए तो गांधी इसके खिलाफ थे और उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो इस पुरुष गुण पुरुष वाला जो पूरा गुण था शारीरिक बल वाला जो गुण था उसको पीछे करता था और उसमें वो नारी पुरुष गुण का मिश्रण ले आते हैं एंड्रोजिनी की एक बात आशीष नंदी ने रेखांकित की है कि गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत प्रस्तुत किया वह स्त्री और पुरुष गुणों के मिश्रण पर आधारित था यानी कि स्त्री गुण से जो करुणा और अहिंसा की बात है वो गांधी लेकर आते हैं और एक पौरुष का जो गुण है जो पुरुष का वादी जो गुण है उसको पीछे करते हैं लेकिन दोनों को साथ रखते हुए वो अहिंसा और सत्याग्रह की बात अपनी प्रस्तुत करते हैं यानी कि जो महिला आ, महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में जो एक यह मॉडल है उस मॉडल की जो विशिष्टता है वह यह है कि सार्वजनिक जीवन में जिन गुणों को पहले महिलाओं का गुण कहकर कई बार तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था दबुपन के रूप में देखा जाता था गांधी ने एक बेहतर समाज बनाने के लिए और समाज में काफ़ी बड़ा बदलाव लाने के लिए देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया एक अहिंसक समाज के निर्माण की का जो उनका लक्ष्य था उसमें यह जो एक नारीगत गुण है उसको आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है और आखिर में हम पर्यावरण प्रश्न के बारे में भी गांधी के विचारों को देखते हैं पर्यावरण का की जो पूरी समस्या है वह मौजूदा समय में काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है और हम यह देखते हैं और हम सब अपने आम जीवन में भी इसको महसूस करते हैं जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चीज़ है जो कि हमें साफ़ तौर पर महसूस होती है अब मौसम थोड़े देर से आने लगे कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी कहीं ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एक व्यापक चीज़ है जिसे हम सब महसूस कर रहे हैं दूसरी चीज़ जो हम सब महसूस कर रहे हैं वो प्रदूषण का बढ़ता स्तर है यानी कि आ, अगर हम शहरों में अगर हम हिंदुस्तान के ही बड़े शहरों की बात करें तो उसमें से बहुत सारे शहर ऐसे हैं आ, जो कि प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं और जो आ, तीसरी बात इसमें उभर कर सामने आती है वो ये है कि अत्यधिक दोहन के कारण जो संघर्ष है वह भी लगातार बढ़ रहा है तो यहाँ पर आ, महात्मा गांधी की कुछ विचार काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक तो यह कि आ, वो मशीनीकरण का विरोध करते हैं और तकनीक का उनका विरोध जो था वो बिल्कुल साफ था कि ऐसा ऐसी हर तकनीक सही नहीं है या गलत है जो कि डिस्प्लेस करती है विस्थापित करती है मनुष्यों के श्रम को तो उन्होंने इसकी आलोचना की और जब हिंसवराज की हम बात कर रहे थे तो वहाँ मैंने इस बात को रेखांकित किया था कि गांधी जो है वो सिलाई मशीन को एक आदर्श तकनीक के रूप में देखते हैं जो कि मनुष्यों के श्रम में को विस्थापित नहीं करती है बल्कि उसको एक तरीके से बढ़ावा देती है उसमें अनुपूरक का काम करती है तो गांधी जो थे वो इस तरीके के मशीनीकरण के समर्थक थे तो हम यह देख सकते हैं कि जो पर्यावरण की समस्या है उसमें बहुत बड़ी भूमिका बड़े मशीनों पर आधारित विकास मॉडल की रही है इसी के कारण से माइनिंग बढ़ी है और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी प्रदूषण बढ़ चुकी है दूसरा गांधी एक ओशियनिक सर्किल की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं यानी कि वो ये मानते हैं कि जो पूरा दायरा है उसमें व्यक्ति केंद्र में है और व्यक्ति के बाद वह गांव में पहुंचता है गांव के बाद वो फिर ब्लॉक में पहुंचता है ब्लॉक के बाद फिर वो जिला जिला के बाद राज्य राज्य के बाद देश और देश के बाद शायद तमाम विश्व तक वो शायद नहीं मतलब पूरी तरीके से तमाम विश्व तक पहुँचता है अब इस मॉडल में आ, वे व्यक्ति को केंद्र में देखते हैं लेकिन ये जो पूरा का पूरा मॉडल है वो एक तरीके से हर एक स्तर के महत्व को भी बताता है और गांधी का जो विकास का मॉडल है जिसमें कुटिर उद्योगों को महत्व देते हैं गांव आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो कि गांव की या स्थानीय स्तर की जरूरतों को पूरा कर सकें स्थानीय स्तर की निर्भरता ना हो बाकी जो दूसरे बड़े बड़े कारखाने हैं उनके ऊपर या निर्भरता हो तो बहुत कम हो इस तरह का मॉडल उभर कर सामने आता है तो ये जो ओसैनिक सर्किल की बात मैंने आपको बताई उसमें उसका महत्व इस अर्थ में है कि उसके केंद्र में व्यक्ति है और फिर जो उसके नज़दीकी जो धाराएँ हैं या नज़दीकी जो व्यवस्था है गांव की व्यवस्था उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें है तो वो दुनिया से के तमाम दूसरे स्तरों से जुड़ा हुआ है पर वहाँ वो महत्वपूर्ण रूप में है तो गांधी का जो कहना है वह यह कि जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए गांव जो हैं वो गांव स्वराज की बात करते हैं ग्राम स्वराज की यानी कि गांव जो हैं वो अपने आप में ऐसे हों जिनकी अधिकांश जरूरतें खुद के उत्पादन से पूरी हो जाएं बड़े उद्योगों से जितना ज्यादा हो सके उतना आ, बचने की कोशिश हो और गांधी का यह कथन भी प्रसिद्ध है कि जो धरती है उसके पास हर किसी की जरूरत पूरी करने का सामर्थ्य है पर किसी भी व्यक्ति के लालच का नहीं तो जिस रूप में वो जीवन को देखते हैं वह भी एक तरीके से पर्यावरण के संरक्षण का एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है अगर हम पर्यावरण आंदोलनों की बात करें तो गांधी के अब जीवन में जो एक तरीके से पूरी व्यवस्था को या जीवन को जिस तरीके से वो देखते थे उसमें एक प्रदूषण के खिलाफ एक तरीके की जंग दिखती है जहाँ पर वो हर व्यक्ति को सफाई करने पर जोर देते हैं कि वो व्यक्ति अपने आसपास के गंदगी को खुद दूर करें और जिसमें वो इस बात पर कहते हैं छोटी छोटी आदतों की बात जैसे वो कहते हैं कि खुले में थूकना गलत आदत है खुले में शौच की भी वो काफ़ी आलोचना करते थे तो इस लिहाज से वो उनकी जीवन में जिस तरीके से वो जीवन जीते थे उसमें जो एक प्रदूषण की बात थी उसको या गंदगी की बात थी उसको वो दूर करके स्वच्छता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें यह या भी याद रखना पड़ेगा कि रखना चाहिए कि एक तरीके से जाति के विरुद्ध उनके संघर्ष में भी इस बात की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि वो ये कहते थे कि जो सफाई का काम है वो हर व्यक्ति को खुद करना चाहिए और उसके लिए वो किसी एक व्यक्ति या एक जाति को ज़िम्मेदारी देने को सही नहीं मानते थे तो जो जिस रूप में गांधी ने अपने जीवन में इन विचारों को रखा और सबसे बड़ा विचार कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनका संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए उसका बाद कि जो पर्यावरणीय आंदोलन हमारे देश में उभर कर सामने आए उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और यहाँ आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि गांधी कभी भी पर्यावरणीय आंदोलन की खुद से एक का एक मॉडल प्रस्तुत नहीं करते किस चीज से ऐसे जूझा जाना चाहिए कारण स्पष्ट है कि उस समय वह समस्या इस रूप में सामने नहीं आई थी लेकिन बाद में चाहे चिपको आंदोलन हो या दूसरे कई आंदोलन हो उन्होंने गांधी के विचारों और गांधी के संघर्ष पद्धति से एक तरीके से प्रेरणा ग्रहण की और गांधी का जो पूरा विचार था उस विचार में यह बात प्रमुखता से सामने आती है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनका संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए तो बहुत सारे जो समूह हैं उन्होंने इन्हीं विचारों के आधार पर जो एक बड़ा औद्योगिक मॉडल लगाने की कोशिश है या राष्ट्र के नाम पर जो विस्थापित करने की कोशिश है उनका लगातार विरोध किया है मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि सत्तर के दशक के बाद हमारे देश में जो पर्यावरणीय आंदोलन उभर कर सामने आए जहाँ पर गरीब जनता जो कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है जो अपनी जमीन से विस्थापित नहीं होना चाहती है वहाँ उसने संघर्ष किया इस तरीके के थोपी हुई विकास मॉडल के खिलाफ और उसमें गांधी के विचार उसको काफ़ी हद तक एक सहायक विचार के रूप में मिले और उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और भी कई पहलू हैं इस पर पर अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि जो समय सीमा है वह कम है लेकिन गांधी के विचारों के कुछ इन कुछ पहलुओं पर जब मैंने बात की तो उसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गांधी की जो अहिंसा का सिद्धांत तो है उसकी काफ़ी आलोचना की गई अलग अलग स्तरों पर जो क्रांतिकारी थे भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह उन्होंने बम का दर्शन शीर्षक से लिख लिखा और गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना की और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी एक तरीके से इस बात को अपनी गतिविधियों से और अपने विचारों से रेखांकित किया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सिर्फ अहिंसा के आधार पर आज़ादी हासिल की जा सकती है तो ये उनकी आलोचना एक स्तर पर अहिंसा के सिद्धांत को लेकर भी हुई तो अलग अलग पहलू हैं जहाँ पर उनकी आलोचना की गई और एक तरीके से जो महिलाओं को लेकर गांधी के विचार थे उसमें वो अपने समय से काफ़ी आगे थे प्रगतिशील थे लेकिन आ, क्या वो पूर्ण रूप से आ, महिलाओं को एक ऐसी आज़ादी देना चाहते थे जिससे कि वो चाहे तो पश्चिम जीवन शैली को अपना लें या चाहे तो स्वच्छंद जीवन जिये ये एक ऐसा पहलू है जिस पर काफ़ी गहराई से विचार करने की जरूरत है क्योंकि शायद इस रूप में वो महिलाओं को नहीं देखते थे और उनकी भी एक आदर्श नारी की संकल्पना थी तो वो एक आज़ादी थी एक स्वतंत्रता थी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी पर उसमें भी कई तरह की सीमाएं थी मैं सिर्फ इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कुल मिलाकर हम गांधी के जीवन और उनके विचारों को देखें तो उन्होंने अपने जीवन में आ, बहुत लंबा संघर्ष किया देश की आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने विचारों से उन्होंने जीवन के तमाम पहलुओं को आ, प्रभावित किया आ, देश के जीवन के तमाम पहलुओं को पर गहरा प्रभाव डाला बाद के दौर में उनके कुछ विचारों को राष्ट्र राज्य ने स्वीकार किया कुछ विचारों को देश के आम जनमानस ने स्वीकार किया और बहुत सारे उनके जो विचार हैं उनको स्वीकार नहीं किया गया लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मौजूदा भारत है उसके वैचारिक ताने बाने में गांधी का विचार काफी गहरे हद तक मिला हुआ है कुछ ऐसे विचार हैं जिन हम स्वीकार करते हैं कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें थोड़े पुरातन किस्म के लगते हैं और कुछ ऐसे विचार हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि विचार तो काफ़ी अच्छे हैं पर शायद इन्हें स्वीकार करना मुश्किल है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो विचार हमेशा ही हमारे राष्ट्र राज्य को हमारे जनजीवन को एक चुनौती देते हैं कि यह एक रास्ता है जिस पर चला जाना चाहिए जिस पर चलने की कोशिश होनी चाहिए महात्मा गांधी के विचारों के बारे में इस दूसरे एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके विचारों से संबंधित कुछ पहलुओं को इस एपिसोड में आपके सामने संक्षिप्त रूप में रख पाया हूँ हम अगले अंक में मिलेंगे और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा के श्रृंखला में अन्य चिंतक पर बातचीत करेंगे नमस्कार